सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमोफोर्स की। क्रोमोफोर्स क्रोमोफोर्स में खास बात क्या होगी कि क्रोमोफोर्स जो होते हैं ये अनसेचुरेटेड होंगे ही होंगे। ये पहली कंडीशन है क्रोमोफोर्स होने का कि ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे। और कैसे अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे? ऐसे अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे जो यूवी रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या कर सकते हो, एब्जॉर्ब कर सकते। यानी इस तरह के अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स जो यूवी विजिबल रीजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हो उन्हें हम कहते हैं क्रोमोफोर्स। तो क्रोमोफोर्स कैसे हो सकते हैं भाई? तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड में देखिए कैसे हो सकते भाई, ऐसे हो सकते हैं ये भी है, या कैसे हो सकते हैं भाई ये भी, देखिए ये भी अनसेचुरेटेड है, या कैसे हो सकता है भाई देखिए ये भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है, ये भी आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होगा। या कैसी कंडीशन हो सकती है? या कंडीशन हो सकती है सीएन टाइप की, ऐसी कंडीशन हो सकती है, ऐसी ये कंडीशन भी हो सकती है। तो ये सारे जो हैं कंसीडर किए जाएंगे किसमें? ये सारे के सारे कंसीडर किए जाएंगे किसमें? इन क्रोमोफोर्स में। यानी क्रोमोफोर्स किसे कहेंगे? क्रोमोफोर्स ऐसे अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे जो यूवी विजिबल रेजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को रखते होंगे। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं। दो तरीके कैसे हो सकते हैं? तो एक ऐसे हो सकते हैं जिसमें केवल पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाए। देखिए इसमें चाहे ये मॉलिक्यूल हो चाहे इस तरह का मॉलिक्यूल हो, जो ट्रांजिशन पाया जाएगा वो हमेशा पाया जाएगा पाई टू पाई स्टार। लेकिन अगर इस तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसमें आप देखेंगे दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। यानी इस तरह के मॉलिक्यूल्स में आप देखेंगे कि भाई पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल है और साथ ही साथ क्या है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ऐसे हेट्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। इन हेट्रो मॉलिक्यूल के प्रेजेंस के कारण ये दोनों तरह के ट्रांजिशन यहां पर पॉसिबल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं क्रोमोफोर्स जो होंगे ये दो तरीके के होंगे। एक ऐसे क्रोमोफोर्स होंगे जिसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटीज होती है, और एक ऐसे क्रोमोफोर्स होते हैं जिसमें ये दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई देती है। तो क्रोमोफोर्स नॉर्मली हम कह रहे हैं इस तरह के मॉलिक्यूल्स को, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें इस तरह की बॉन्डिंग्स पाई जा रही हो, इस तरह की कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जा रही हो, तो ये क्रोमोफोर्स हैं। जो अगली बात है ऑक्सोक्रोम्स, नेक्स्ट तो क्रोमोफोर्स में कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा कि आपको समझ में दिक्कत होगी। अगला होगा ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स नेक्स्ट ऑक्सोक्रोम्स ऑक्सोक्रोम्स क्या होगा? तो ऑक्सोक्रोम्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो एब्जॉर्प्शन पीक को हमेशा हायर रीजन में शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो किसी भी कंपाउंड से जुड़ने पर वो क्या करता हो, एब्जॉर्प्शन बैंड को क्या करता हो, लॉन्गर वेवलेंथ के साइड में शिफ्ट करता हो। यानी जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो हमेशा लॉन्गर वेवलेंथ के साइड में शिफ्ट हो।
लॉन्गर वेवलेंथ के साइड में शिफ्ट होने का मतलब है कि उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ये कहने का सेंस होगा। यानी वो क्या करता होगा, जैसे मॉलिक्यूल कोई ऐसा है जो क्या करता है, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। सपोज करते हैं यूवी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब वेवलेंथ उसके लिए कम है। तो वो क्या हो रहा है, वो आपके यूवी वाले जो आपका ये है स्पेक्ट्रोमीटर है, उस पर उसका कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस कंपाउंड में किसी ऐसे कंपाउंड की डोपिंग कर दे रहे हैं, किसी ऐसे कंपाउंड को मिक्स कर दे रहे हैं जो क्या कर रहा है, उसकी जो शिफ्ट कर रहा है वेवलेंथ को, ये लॉन्गर वेवलेंथ में शिफ्ट कर दे रहा है। उससे क्या होगा, उसकी आसानी से क्या होगी, वेव जो है आपकी मिल जाएगी। यानी वो क्या कर रहा है, एक्साइटेशन एनर्जी को कम करने का काम कर रहा है। तो हमेशा ऑक्सोक्रोम्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो हमेशा वेवलेंथ की वैल्यू को बढ़ा देते होंगे, या उसे हमेशा राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं। राइट हैंड डायरेक्शन का मतलब है कि जब कभी भी हम उसका ग्राफ ड्रॉ होता है, जो ग्राफ हमें मिलता है ये, तो मान लीजिए यहां से आपने स्टार्ट किया 170 nm से, ऐसे 170 nm से ये जा रहा है कहां भाई, तो 750 तक जा रहा है, ऐसे ये रेंज था। अब कोई ऐसा है कि जो जिसकी वेवलेंथ जो है वो 160 ही है, तो 160 यहां पे नहीं आ पा रहा है, उसके लिए एनर्जी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक ऐसा ग्रुप जोड़ेंगे जिसके अंदर क्या होने चाहिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, क्योंकि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स में क्या होता है, इस तरह की कंजुगेशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी को इजिली अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और इजिली क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाती है। तो अगर इस तरह के ग्रुप्स को हम ऐड करते हैं जो क्या करते हो, यूवी रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करते हो, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हो, तो क्या करेंगे कि जो ये वेवलेंथ है उसको राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे, ऐसा। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो वेवलेंथ को क्या करता है, राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सोक्रोम्स। तो ऑक्सोक्रोम्स सिंपली क्या करेंगे, राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे वेवलेंथ को, एब्जॉर्प्शन बैंड को। और एग्जांपल्स के फॉर्म में क्या हो सकते हैं, तो एग्जांपल्स के फॉर्म में ढेर सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिनमें आपको इस तरह का कुछ दिखाई दे, जैसे इस तरह का कोई ग्रुप हो या इस तरह का कोई ग्रुप हो, यानी एटलीस्ट उनके पास क्या हो भाई, एटलीस्ट उनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हो, या उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये दो कंडीशंस होनी चाहिए ऐसा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं कि कंपाउंड्स में दे सकता है, दो चार कंपाउंड के नाम लिखे, उसमें से कह सकता है कौन सा ऑक्सोक्रोम्स है, या कह सकता है किसका बिहेवियर जो है आपका ऑक्सोक्रोम की तरह होगा, किसका बिहेवियर जो आपका क्रोमोफोर्स की तरह होगा। तो ये आपको इजिली आप बता ले जाएंगे कि किसका बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए। तो ऐसा ये है। अब इसके बाद है कुछ शिफ्टिंग है। अब ये सारी चीजों के कारण क्या है, बैंड में कुछ शिफ्टिंग हो रही है। देखिए कैसे, फिर आगे देखते हैं।
अब कुछ शिफ्टिंग देखने जा रहे हैं, रेड एंड ब्लू शिफ्ट है, तो पहला शिफ्ट देखने जा रहे हैं, एक नंबर वन, वैथोक्रोमिक और रेड शिफ्ट, वैथोक्रोमिक और रेड शिफ्ट, और ऐसे एक रेड शिफ्ट है तो ऐसे क्या है, ब्लू शिफ्ट भी है, तो दो तरह की शिफ्ट हम देखेंगे। इस शिफ्ट का क्या मतलब है, तो इस शिफ्ट का मतलब है कि जो आपका वेवलेंथ है, जो अब्सॉर्प्शन मैक्सिमा है, ये हमेशा लॉन्गर वेवलेंथ के साइड में शिफ्ट होगा। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि भाई किसी भी प्रकार के ऑक्सोक्रोम्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमेशा क्या होता है, जो वेवलेंथ होता है वो, जो अब्सॉर्प्शन मैक्सिमा होता है, वो हमेशा लॉन्गर वेवलेंथ के साइड में शिफ्ट होता है। तो अगर ऑक्सोक्रोम्स किसी भी मॉलिक्यूल्स में ऐड अप किया जा रहा है तो जो शिफ्टिंग होगी वो हमेशा कैसी होगी, रेड शिफ्ट होगी। तो हमेशा जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है ये लॉन्गर वेवलेंथ, हमेशा याद रखिएगा, शिफ्टिंग जो है ये लॉन्गर वेवलेंथ के साइड में होगा, यस। और किसके कारण होगा, तो एडिशन ऑफ ऑक्सोक्रोम्स, तो ऑक्सोक्रोम्स के एडिशन के कारण इस तरह की शिफ्टिंग आपको दिखाई देगी। यानी जो पेरेंट मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा आना चाहिए था वो अब कहीं आगे आएगा, ऐसा। तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है, इसी शिफ्टिंग को हम कहते हैं रेड शिफ्ट। अब इसी का रिवर्स कर दीजिएगा तो ब्लू शिफ्ट हो जाएगा। ब्लू शिफ्ट में क्या होगा कि जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है उसकी शिफ्टिंग हमेशा क्या होगा, हमेशा लॉन्गर वेवलेंथ पे कभी नहीं आएगा, तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा कम पर आएगा, ऐसा। ऐसी कंडीशन कब आएगी, ऐसी कंडीशन तब आएगी जब आप क्या करते हो, किसी कंजुगेटेड एटम को हटा देते हो, डिलीट कर देते हो, कोई भी कंजुगेटेड एटम डिलीट कर देते हैं या ऑक्सोक्रोम्स को हटा देते हैं, तो ऐसी कंडीशंस पर क्या होगी, ऐसी कंडीशंस पर आपको जो शिफ्टिंग दिखाई देगी उसे हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट, ऐसा। ब्लू शिफ्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ब्लू शिफ्ट का ये इंपॉर्टेंस है कि मान लीजिए कोई कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं, वह काफी लंबा कंजुगेटेड कंपाउंड है, और कंजुगेटेड कंपाउंड काफी लंबा है और वो जो है उस रेंज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी 750 के बियॉन्ड जा रहा है, आपको ये पता नहीं चल पा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, कुछ एटम्स या कुछ मॉलिक्यूल को कंजुगेटेड सिस्टम से हटा रहे हैं। अब उसको हटाने से क्या होगा कि जो शिफ्ट है, जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की शिफ्टिंग है, वो क्या हो जाएगी, वो हमेशा शॉर्टर वेवलेंथ के साइड में हो जाएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर पाएंगे। तो दोनों का इस्तेमाल होता है स्टडी करने में, लॉन्गर बैथोक्रोमिक शिफ्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है और ब्लू शिफ्ट का भी इस्तेमाल होता है। तो ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट जो है, पेरेंट मॉलिक्यूल को रेफरेंस लेकर के दिया जा रहा है, ये पेरेंट मॉलिक्यूल का यहां पर आना चाहिए, लेकिन ऑक्सोक्रोम लगाने पर उसकी शिफ्टिंग लॉन्गर वेवलेंथ साइड में हो गई है, तो ये रेड शिफ्ट है। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल का बहुत ज्यादा आ रहा है और उसमें क्या किया जा रहा है, कुछ कंजुगेटेड सिस्टम को हटा दिया जा रहा है, तो अब क्या हो रहा है, लॉन्गर वेवलेंथ के साइड से शिफ्टिंग हो गई है शॉर्टर वेवलेंथ साइड में, तो ऐसे को हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। तो ये दो तरह की शिफ्टिंग है, और ऑक्सोक्रोम्स एंड ये क्रोमोफोर्स, ये कुल मिलाकर चार ये हैं, इनके बारे में जानना है। और अगर इसको देख लेते हैं तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इतना ही है, कुछ और भी चाहिए तो आप बुक से देख सकते हैं, लेकिन हमारे जो कोर्स में है नॉर्मली ट्रांजिशन ही पूछता है, और ट्रांजिशन के अलावा जो है छोटे क्वेश्चंस में बन सकते हैं क्वेश्चंस, तो पहचानने को बन सकते हैं ऑक्सोक्रोम्स एंड क्रोमोफोर्स को, शिफ्टिंग नहीं हो सकती है, रेड शिफ्ट एंड ऐसा नहीं पूछा सकता ब्लू शिफ्ट किसी मॉलिक्यूल्स में, इस तरह के क्वेश्चन बनने बहुत डिफिकल्ट होंगे क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड है।
और तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा, मैं बट देख ले रहा हूँ, कुछ हो तो बता दूंगा आपको। और अच्छा, एक क्वेश्चन दिया भी गया था कि फिनॉल और फिनोलेट एनायन, फिनॉल एंड फिनोलेट एनायन के बारे में पूछा गया था। तो फिनॉल एंड फिनोलेट एनायन में शिफ्टिंग कैसी है? तो देखिए, फिनॉल है, ये फिनॉल है, और जब ये अपने एनायन में कन्वर्ट होता है तो फिनोलेट एनायन कहलाता है। और कन्वर्जन कैसे होता है? तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है। यहाँ पे इस बॉन्ड को अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखिए अगर ऐसे लिख दूं कैसा, तो हेट्रोलाइटिक फिशन होगा। और हेट्रोलाइटिक फिशन का मतलब है कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा? ऑक्सीजन के पास आएगा, ऐसा। और हाइड्रोजन जो है वो एच आयन के फॉर्म में यहां से रिलीज हो जाएगा। तो यानी जब इसका हम बनाएंगे, जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? तो देखिए ऐसा, ये फिनोलेट एनायन है, इसे कहते हैं फिनोलेट एनायन। अब फिनोलेट एनायन में क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जा रहा है किसके लिए? ये अवेलेबल हो जा रहा है पाई बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। कहां पर पाई बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए? यहां पर, ऐसा। और इस एबिलिटी के कारण क्या हो रहा है, इस एबिलिटी के कारण इसमें क्या हो रहा है, यहां पर N2 पाई स्टार की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जा रही है। इससे पहले वाले जो मॉलिक्यूल्स था, इस मॉलिक्यूल्स में हम देख रहे थे यहां पर केवल और केवल पाई टू पाई स्टार पाया जा रहा था, ऐसा। ये यहां का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो सकता था, लेकिन यहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि N2 पाई स्टार की पॉसिबिलिटी यहां पर बन जाती है। इसके नाते क्या होता है कि यहां पर जो शिफ्टिंग होती है, वो शिफ्टिंग कौन सी होती है? रेड शिफ्ट होता है, यानी जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है, ये लॉन्गर वेवलेंथ के साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो फिनॉल से फिनोलेट एनायन का जो फॉर्मेशन है, उसमें हमेशा रेड शिफ्ट आपको दिखाई देगा। क्यों रेड शिफ्ट दिखाई दे रहा है? कि इस कारण दिखाई दे रहा है कि अब जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एबिलिटी बढ़ जा रही है, और लोन पेयर की एबिलिटी बढ़ जा रही है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम हो जा रही है। और एनर्जी अगर कम हो जा रही है तो वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा हो जा रही है। अगर वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा हो जा रही है, इसका मतलब है कि ये जो शिफ्टिंग है, ये रेड शिफ्ट है। तो ये जो है रेड शिफ्ट की कैटेगरी में आता है। तो ऐसा क्वेश्चन एक आध बार ही बन सकता है। इस बार हम लोग दिए भी थे इसे कि फिनॉल से फिनोलेट एनायन का किस तरह की शिफ्टिंग शायद पूछा गया होगा, या वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा, तो ऐसा हो सकता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन बन सकता था। ठीक है, इसमें और ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट होगा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी नेक्स्ट होगा।
इंफ्रारेड रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जाना जाएगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं पढ़ना है, यहाँ पर बॉन्ड के बीच का वाइब्रेशन देखना है, तो ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा। और क्या देखा जाता है, तो डाइपोल में चेंज होता है, तो डाइपोल मोमेंट में जो चेंज होता है उसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो सकता है या देखते हैं कि आईआर में क्या हो सकता है इंफ्रारेड में। अगर हम बात करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो सबसे पहले जो हम एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल ए और बी टाइप का है, ए और बी एटम से कोई मॉलिक्यूल बना है, तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि जो एटम है वो कैसा है, ऐसे बॉल की तरह, स्फेयर की तरह है, ये एटम ए है, और जो एटम बी है ऐसा, ये भी स्फेयर की तरह है, और ये ऐसे हैं, और इनके बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है वो ऐसा नहीं है, वो कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है, वो कोवेलेंट बॉन्ड देखिए भाई ऐसा स्प्रिंग की तरह है, ऐसा पाया जा रहा है। यानी हमेशा जो बॉन्ड्स है उसको हम कैसे मान के चलते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है इस तरह के स्प्रिंग के समान होंगे। और अब क्या होगा, अब जब मॉलिक्यूल जो होगा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, चाहे ये मॉलिक्यूल चाहे ये मॉलिक्यूल, तो ये क्या होगा अपने एक्साइटेड स्टेट में आएगा, और जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो क्या होगा, इस दोनों में से किसी भी मॉलिक्यूल की जो पोजीशन है उसमें क्या होगा, चेंज होगा, ऐसा ऐसा हो सकता है, या क्या हो सकता है भाई ऊपर के साइड में जा सकता है, अब जैसी कंडीशन हो ऐसा। तो ये अब ओरिजिनल पोजीशन में ये पोजीशन ऐसा, और एक्चुअल पोजीशन में क्या हो रहा है, एक्चुअल पोजीशंस में ये है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इसके देखिए पोजीशंस में शिफ्टिंग है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हम इसी एब्जॉर्प्शन को रिकॉर्ड करते हैं, किसको रिकॉर्ड करते हैं, कि भाई किस तरह का यहां पर वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने तरह के वाइब्रेशन पॉसिबल हैं, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि कितने तरह के वाइब्रेशन किसी भी मॉलिक्यूल में हो सकते हैं, फिर उसके हिसाब से बताएंगे कि इसमें कैसी कैलकुलेशन करते हैं। तो जो आईआर में जो अगला हेडिंग होगा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, मॉलिक्यूल में कितने तरह के वाइब्रेशंस होंगे, तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, नंबर वन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में नंबर वन, नंबर वन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देखिए, सपोज करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल ऐसा ए है और ये जुड़ा है ऐसे दो मॉलिक्यूल से, बना के देखते हैं, एक मॉलिक्यूल यहां पर है ऐसा। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का मतलब क्या है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का ये मतलब है कि ये मॉलिक्यूल हो और ये स्ट्रेच ऐसे करता हो ऐसे एक साइड में, तो अगर ये स्ट्रेच कर रहा हो और साथ में ये भी स्ट्रेच कर रहा हो ऐसा, तो अगर इस तरह की स्ट्रेचिंग है कि दोनों साथ साथ स्ट्रेच कर रहे हो, फिर अपने पोजीशन पे आ रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो अपनी पोजीशन पर आ रहे हो और ये फिक्स हो ऐसा, तो ये होगा सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल। और दूसरी कंडीशन क्या हो रही हो, दूसरी कंडीशन ये हो रही है कि इसमें स्ट्रेचिंग हो रही हो
और ये क्या हो रहा हो, ये अंदर के साइड में जा रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, कैसा? तो ये स्ट्रेच हो, ये कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसा क्या होगा, ये होगा एसिमेट्रिकल। तो यानी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो तरीके के हो सकते हैं। दो तरीके कैसे हो सकते हैं, कि एक बार ऐसी कंडीशन हो कि दोनों बाहर के साइड में स्ट्रेच कर रहे हो, या एक साथ दोनों अंदर के साइड में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा। तो ये दोनों कंडीशन होगी सिमेट्रिकल, और एक एंट्री सिमेट्रिकल हो सकती है। एक में क्या हो सकता है, एक में अगर हम देखें कैसे स्ट्रेचिंग हो सकती है, तो एक में ऐसा हो सकता है कि भाई एक एटम जो है, ये मान लीजिए फिर से दो एटम लगे हैं, ऐसा एक एटम बाहर की तरफ स्ट्रेच कर रहा हो, लेकिन एक एटम क्या हो, अंदर के साइड में जा रहा हो, ऐसा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल होगा, और या फिर आपका एंटी सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल होगा। तो ये दो तरह की आपको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में देखने को मिलेगा, एंटी सिमेट्रिकल और दूसरा होगा सिमेट्रिकल। तो बस ऐसे हम लोग डायग्राम से इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि कौन कौन तरीके हो सकते हैं। तो एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई किस किस तरह के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देखने को मिल सकती हैं। तो ये दो तरह की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आपको देखने को मिल सकती है। अगला जो है नेक्स्ट, बेंडिंग वाइब्रेशंस। बेंडिंग स्ट्रेचिंग की जगह पर अगला कैसा वाइब्रेशन हो सकता है, तो अगला होगा बेंडिंग। नेक्स्ट, तो किसी भी मॉलिक्यूल में दो तरह की वाइब्रेशंस देखने को मिलेगी, एक स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेचिंग में भी सिमेट्रिकल और एंटी सिमेट्रिकल, और दूसरा होगा बेंडिंग वाइब्रेशन। अब बेंडिंग में क्या होगा, बेंडिंग में देखिए क्या होगा, देखिए अभी तक जो बॉन्ड की पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही थी, वो अपनी जगह पर था, बस क्या हो रहा था, बॉन्ड की जो लेंथ है वो चेंज हो रहा था। लेकिन बेंडिंग में दूसरी बात है, बेंडिंग में क्या होगी, इसकी लेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेंथ एक जैसा ही रहेगा। अब क्या होगा, इसकी बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज होगा, यानी बॉन्ड की पोजीशन में अगर चेंज हो रहा है तो उसे हम कहते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। अब लेंथ में चेंज नहीं, अगर लेंथ में चेंज हो रहा है तो हमेशा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हमेशा हम किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं स्ट्रेचिंग के नाम से, कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में लेंथ में चेंज आएगा, छोटा हो जाएगा लेंथ, बड़ा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ऐसा। तो बेंडिंग वाइब्रेशन कितने तरीके के हो सकते हैं, नंबर वन इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, दो तरीके के हो सकते हैं, उसी प्लेन में हो, देखिए नंबर वन, नंबर वन इन प्लेन, नहीं प्लेन से बाहर नहीं जाएगा, इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन उसी प्लेन में होगा, तो इन प्लेन के नाम से जाना जाएगा। दो होगा, एक होगा सिजलिंग, एक होगा रॉकिंग, दो टाइप के होंगे। इन प्लेन में दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं, एक हो सकता है सिजलिंग और दूसरा हो सकता है रॉकिंग। रॉकिंग, सिजलिंग एंड रॉकिंग, बना के देखते हैं सिजलिंग एंड रॉकिंग को क्या हो सकते हैं।
कौन सा सिजरिंग कहलाएगा, कौन सा रॉकिंग कहलाएगा। तो बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल ऐसा लेते हैं और इससे जोड़ते हैं, एक एटम यहां पर है ऐसा, एक एटम मान लीजिए इधर मूव कर रहा हूं और एक एटम इधर मूव कर रहा हूं, इधर अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब सिजरिंग में ऐसे ही होगा ना, देखिए ऐसे एक साथ आएंगे या बाहर जाएंगे। भाई सिजरिंग ऐसे होता है, कैंची है तो कैंची कैसे काम करती है, देखिए ऐसे ऐसे काम करती है। तो ऐसे एटम का मूवमेंट है, एटम का मूवमेंट क्या है कि एक अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो। लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, बस क्या होगा बॉन्ड का जो प्लेन है वो क्या होगा, प्लेन नीचे सॉरी जो पोजीशन है उसमें चेंज आएगा। तो ये सिजरिंग है। रॉकिंग में क्या होगा कि दोनों एटम एक ही साइड में मूव करते हैं। तो रॉकिंग कैसा है, रॉकिंग में कैसे बना सकते हैं, तो रॉकिंग में मान लीजिए एटम हम ले रहे हैं, एक साइड में मूवमेंट दिखाना होगा ऐसा। एक साइड में मूवमेंट का मतलब देखिए ये इधर मूव कर रहा हो तो ये भी इधर ही मूव कर रहा हो ऐसा, एक ही डायरेक्शन में, या ये इधर मूव करे तो इस आइटम का भी मूवमेंट इधर इस साइड में हो जाए ऐसा। तो अगर सिजरिंग का मतलब है कि आइटम का अपोजिट साइड में मूवमेंट, एक इधर तो दूसरा इधर ऐसा, अगर इस तरह का मूवमेंट है, इस तरह का वाइब्रेशन है तो ये इन एक ही प्लेन में, इन प्लेन है और उसका नाम है सिजरिंग। और रॉकिंग का मतलब है कि जब एटम का मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो, एक ऐसे मूव करेगा सेम डायरेक्शन में होगा, रॉकिंग ऐसे मूव करेगा तो अगला भी उसी डायरेक्शन में, अगर ये अंदर के साइड में आएगा तो ये भी उसी साइड में आएगा। तो बेंडिंग वाइब्रेशन इन प्लेन, उसी प्लेन में होने वाले वाइब्रेशन में एक सिजरिंग है एक रॉकिंग है। अब दूसरा होगा जो उस प्लेन में नहीं होगा, यानी बेंडिंग वाइब्रेशन का जो दूसरा टाइप होगा। तो बेंडिंग वाइब्रेशन के दूसरे टाइप में लिखिए बी नंबर, लिखिए बेंडिंग वाइब्रेशन में बी नंबर दीजिए सभी कोई। बेंडिंग वाइब्रेशन में आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, इन प्लेन की जगह क्या कर दें, आउट ऑफ प्लेन कर दें, आउट ऑफ प्लेन, ये प्लेन है आउट ऑफ प्लेन। बेंडिंग वाइब्रेशन में दूसरा होगा आउट ऑफ प्लेन, इसमें भी दो तरीके हो सकते हैं, इससे भी दो टाइप देखा जाता है। दो टाइप कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, तो दोनों टाइप लिख लीजिए आउट ऑफ प्लेन के। आउट ऑफ प्लेन के दो टाइप हैं, एक का नाम है वैगिंग, एक का नाम है वैगिंग और दूसरे का नाम है ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग दो हो सकते हैं, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग हो सकते हैं ऐसे। अब एक प्लेन नहीं होगा, देखिए कैसे होगा, मतलब कहने का सेंस क्या है करके देखते हैं। देखिए अब सेंट्रल आइटम इस प्लेन पर होगा, ये सेंट्रल आइटम है ओके। अभी तक जो मूवमेंट हो रहा था इस एक ही प्लेन पर होता, या तो इधर इधर ऐसे मूव हो रहा था, अब क्या मूवमेंट होगा, अब प्लेन के ऊपर या नीचे मूवमेंट होगा ऐसा, इस प्लेन के क्या हो सकता है कि दोनों एटम जो है सेम डायरेक्शन में ऊपर जाए सेम डायरेक्शन में नीचे आए, ऐसा मूवमेंट हो। अगर ऐसा मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम कहेंगे वैगिंग ऐसा। अब इस प्लेन में मॉलिक्यूल था, इस प्लेन में मॉलिक्यूल एक जो है वो वाइब्रेट करके थोड़ा ऊपर चल जाए और दूसरा वाइब्रेट करके नीचे आ जाए, मतलब एक डायरेक्शन में मूवमेंट ना हो, एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन ना हो, तो उसे हम कहेंगे ट्विस्टिंग। अगर दोनों ही एटम का वाइब्रेशन आउट ऑफ द प्लेन एक ही डायरेक्शन में हो, चाहे अबव द प्लेन हो चाहे बिलो द प्लेन, तो उसे हम कहते हैं वैगिंग। और ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है, ट्विस्टिंग का मतलब होता है कि एक एटम प्लेन के ऊपर की डायरेक्शन में वाइब्रेट कर जाए और दूसरा नीचे के डायरेक्शन में, या
दूसरा नीचे की डायरेक्शन में या पहला ऊपर की डायरेक्शन में, ऐसा। तो उसे हम कहेंगे ट्विस्टिंग। दिखाते कैसे हैं? तो दिखाने के लिए आसान तरीका हमारे पास है। तो दिखाने के लिए मान लीजिए एक आइटम ऐसा लिया, बनाया ऐसे, अगला आइटम ऐसे बनाया, अब प्लस लिख देते हैं ऐसे दोनों पे, दोनों पे प्लस लिख देंगे, दोनों पे माइनस लिख देंगे, बात एक ही है। तो दोनों पे प्लस लिखने का मतलब है कि दोनों का मोमेंट एक डायरेक्शन में है, या बिलो द प्लेन है या तो अबव द प्लेन है। और वहीं पर जब ट्विस्टिंग दिखाना होता है तो ट्विस्टिंग दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पर प्लस लिखते हैं एक एटम पर ऐसे,